जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने क्वेश्चन सीएसआईआर नेट मैथ 2020 का जो पार्ट सी में पूछा गया है, पार्ट सी का जो उस क्वेश्चंस को पिकअप किया हुआ है। तो पहले क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है, इसके एनालिसिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टू, पार्ट सी का है, तो एक से ज्यादा ऑप्शन सही होने हैं। अच्छा है, एक बात करनी है, वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है कहीं कुछ घुमाने का प्रयास सीएसआईआर नेट द्वारा नहीं हुआ है। इसमें सीधे सपाट लहजों में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीरीज है, उस सीरीज के बारे में पूछ रहा है कि कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। मतलब क्वेश्चन पे कोई सीएसआईआर नेट वाले जैसी गेम खेलते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन स्टार्ट होने के पहले जो गेम खेली जाती है, उसके बाद जो ऑप्शन में जो गेम खेली जाती है, ऑप्शन में न तो कोई गेम है न तो क्वेश्चन में गेम है, सीधा सपाट है। ऐसे जैसे लग रहा है कि एकेडमिक स्तर के क्वेश्चन है। तो बहरहाल सीएसआईआर नेट में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, हमेशा इस स्तर पर भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, द सीरीज यहाँ पूछा है। फर्स्ट है कि द सीरीज समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी माइनस 1 अपॉन एन इज कन्वर्जेंट। ओहो, ये तो नेशनल वर्ल्ड फेमस सीरीज है ये, और सबको पता है कि जो भाई इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में अल्टरनेटिंग सीरीज की स्टार्टिंग में ही आता है समेशन एन वेरी फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी माइनस 1 माइनस वन रेस टू बी पावर एन अपॉन एन इज ए कन्वर्जेंट सीरीज। ये कन्वर्जेंट होता है बाय लेबनीज टेस्ट, सबको पता है। दिस इज वेरी इजी, लेबनीज टेस्ट से दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट। तो पहली तो सही है कि फर्स्ट जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है हमारे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सेकेंड पूछा हुआ है कि क्या इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अगेन अल्टरनेटिंग सीरीज है और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात पूछी है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब कि मार्ग मुझे चेक करना होगा कन्वर्जेंट है या नहीं। मीनिंग ये कि जो समेशन एन वेरी फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी माइनस 1 रेस टू द पावर एन अपॉन अंडर रूट एन प्लस एन, इसका मार्ग अगर ले लिया जाए तो ये होगा समेशन एन वेरी फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी 1 अपॉन रूट एन प्लस एन, ये हो गया। अब ये देखना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो अगेन ये सीरीज जो है हमारी, ये सीरीज दिस इज द डाइवर्जेंट, उसको भी इजी वे में हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के बहुत सारे रूल हैं, जैसे हम चाहते हैं रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं, कंपेरिजन टेस्ट लगा सकते हैं, कोई भी टेस्ट लगे, क्योंकि ये दिस इज द इजी सीरीज। अच्छा, हमें ये पता है कि जो एन है, एन प्लस रूट एन ऑलवेज ग्रेटर देन एन, ये तो बात लिखी जा सकती है 100%। अच्छा एक बात यहाँ और है, कंपेरिजन अगर टेस्ट अगर हम डायरेक्ट लगाएं, इससे न निकाल करके सीधे अगर बात करें, मतलब समेशन एन वैल्यू फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी 1 अपॉन, अगर मैं यहाँ एन को कॉमन कर लूँ दिस, या रूट एन ही मैं कॉमन कर लूँ रूट एन, तो रूट एन कॉमन करने पे 1 अपॉन यहाँ रूट एन हो जाएगा दिस। और एक मैं ऑक्सिलरी सीरीज यहाँ वी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एन लिख लूँ, तो यहाँ मेरा यू एन जो होगा इस सीरीज का 1 अपॉन रूट एन, 1 प्लस रूट एन। कंपेरिजन टेस्ट लगाने जा रहे हैं, कंपेरिजन टेस्ट में ये कहता है कि रिजल्ट ये है कंपेरिजन टेस्ट का कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, देन नेचर ऑफ समेशन यूएन, जो समेशन यूएन का जो नेचर होगा वो समेशन वीएन के नेचर पे डिपेंड करेगा। क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है दिस सीरीज, ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, अगर ये डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये भी एक कंपेरिजन टेस्ट है, एक कंपेरिजन टेस्ट का हमारा ये फार्म है। तो देखते हैं हम लोग, अच्छा ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, ट्रिक भी बताया था कि कैसे हम लोग कंपेरिजन टेस्ट में ऑक्सिलरी सीरीज कैसे चॉइस करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ वी एन वन बाई रूट एन लिखे हैं तो मुझे अब ये निकालना है, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इज व्हाट 1 अपॉन रूट एन प्लस एन डिवाइड अपॉन 1 बाई रूट एन। अब इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट एन अपॉन रूट एन प्लस एन। अब इसकी वैल्यू अगर निकाली जाए तो क्या हो जाएगी, लिमिट
एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर रूट एन हम कॉमन कर लें नीचे से तो वन प्लस रूट एन ये लिखेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस जीरो मीनिंग वन हो जाएगी, एंड दिस इज द फाइनाइट एंड नॉन जीरो, हो गया फाइनाइट नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है वन, वन इज ए नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। तो अब जो यूएन का जो समेशन यूएन का नेचर होगा वो समेशन वीएन पे डिपेंड करेगा, और मुझे पता है या सबको ये पता है, सब लोग ये जानते हैं कि समेशन वीएन इज इक्वल टू समेशन वन अपॉन रूट एन मतलब हाफ। तो बाय पी टेस्ट जो ये सीरीज है ये डाइवर्जेंट होती है, पी के लेस देन वन है तो मीनिंग दिस सीरीज इज द डाइवर्जेंट, तो ये सीरीज मेरी डाइवर्जेंट है। तो अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो समेशन यूएन भी डाइवर्जेंट होगी, मतलब ये जो मेरी सीरीज है दिस इज द डाइवर्जेंट, मतलब कि अगर इसका हम मॉड ले लें तो दिस सीरीज इज द डाइवर्जेंट। तो अगर किसी सीरीज का मॉड डाइवर्जेंट होता है तो उसको हम लोग कंडीशनली कन्वर्जेंट कहते हैं, मतलब उसका मॉड वैल्यू कन्वर्जेंट नहीं है। अच्छा कंडीशनली कन्वर्जेंट मतलब कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होनी चाहिए, तो बाय लेबनीज़ टेस्ट ये तो इजी वे में हम प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज द कन्वर्जेंट, ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है बट उसका मॉड कन्वर्जेंट नहीं है, इसलिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, उसको इजी में हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंट की बातें हैं नहीं है, ये सीधे पूछा है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं, तो नो दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो ऑप्शन सेकेंड जो होगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। बट ये जो समेशन एन वेरी फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस रेस टू द पावर एन अपॉन दिस इज व्हाट इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, ये कन्वर्जेंट है, हम लेबनीज टेस्ट को इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं कि दिस सीरीज इज द व्हाट कन्वर्जेंट, बट ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं। उसके बाद इस सीरीज के बारे में पूछा हुआ है और ये अगेन इस सीरीज के बारे में आया हुआ है। अच्छा अब इस सीरीज को हम लोग तोड़ के भी लगा सकते हैं और सीधे हम लोग जो रेशियो जो टेस्ट है उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ यूएन क्या है, इस समेशन के बाद जो कुछ लिखा उसको हम लोग यूएन ले लें, यहाँ जो यूएन है वो ये है वन प्लस माइनस वन रेस टू दी पावर एन अंडर रूट एन प्लस लॉग ऑफ एन अपॉन एन रेस टू दी पावर थ्री बाई टू। अच्छा ये यहाँ बिगिनर स्टूडेंट इसको अल्टरनेटिंग सीरीज समझने की गलती कर बैठेगा क्योंकि वो माइनस वन रेस टू दी पावर एन है नहीं, अल्टरनेटिंग सीरीज तभी होगी जब वो इस फॉर्म का होना चाहिए, लिसनर इस चीज को ध्यान देंगे, समेशन माइनस वन रेस टू दी पावर एन इनटू यूएन और यूएन की जो वैल्यू होनी चाहिए दिस इज द जीरो। अगर कोई सीरीज इस फॉर्म का लिखा गया है अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और निगेटिव टर्म्स आते हैं तब हम उसको अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं, यहाँ तो ऐसा है कुछ नहीं क्योंकि इसको हम लोग ब्रेक करें। अच्छा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे ना इस टाइप का, जब भी मतलब वो इस फॉर्म का ना हो बट माइनस वन रेस टू दी पावर एन वहाँ प्रेजेंट हो, तो जो वीडियो लेक्चर्स थोड़ा सीरियसली वाच कर रहा है उनके लिए कंसेप्ट है कि पहले उसको तोड़ लें, और माइनस वन रेस टू दी पावर एन अगर प्लस या माइनस में प्रेजेंट है तो इवन और ऐड करके देख लें, दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन अगर यही माइनस वन रेस टू दी पावर एन पूरे के मल्टीप्लीकेशन में होता तो दिस इज द अल्टरनेटिंग सीरीज, क्योंकि तब वो ये फॉर्म हो जाता। अगर ये फॉर्म नहीं है बट माइनस वन रेस टू दी पावर एन प्रेजेंट है तो लगाने की जो बड़ी बेस्ट टेक्निक होती है वो ये होती है ना, कुछ को इवन और ऐड में आप तोड़ लीजिए, जैसे मैं करने जा रहा हूँ। अगर हम एन यहाँ इवन लिखे हैं तो एन इवन लिखने पे ये वन हो जाएगा, वन प्लस वन मतलब ये टू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टू रूट एन प्लस लॉग एन अपॉन एन रेस टू दी पावर थ्री बाई टू इफ एन इज इवन, ये बात हो गई। अच्छा अगर ऑड है तो ऑड होने पे माइनस वन रेस टू दी पावर एन माइनस वन आएगा और वन माइनस वन दिस इज द जीरो ही है, मीनिंग ये जीरो हो जाएगी तो सिंपली बचेगा क्या लॉग ऑफ एन अपॉन एन रेस टू दी पावर थ्री बाई टू इफ व्हाट एन इज ऑड, अगर एन ऑड है तो वैल्यू ये है, अच्छा अगर एन इवन है तो ये हो गया मेरा। तो हम लोग इसको यू भी लिख सकते हैं कि यू टू एन ये टू रूट एन प्लस लॉग ऑफ एन अपॉन एन रेस टू दी पावर थ्री बाई टू ये हो गया, और यू टू एन माइनस वन लॉग ऑफ एन यहीं से ऐसे लिख सकते हैं, और जब भी ऐसी चीज बने
तो अगेन एक चीज हम सलाह एडवाइस करना चाहेंगे, क्योंकि दिस इज अगेन एक बड़ा एक बेस्ट हमारा मेथड कह सकते हैं, तरीका कह सकते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, जब इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं और यूएन इवन और ऑड पे वो ब्रेक होके आने लगे, तो आप इवन लिख लीजिए और इवन हमेशा यू टू एन लिखिए तो ऑड हमेशा ये आ जाएगा। अब यहाँ एन आपका शुरू हो जाएगा, एन वन लिखेंगे इसमें तो यूएन आएगा, यूएन के लिए आएगा। अच्छा एन वन लिखेंगे तो यू टू के लिए मेरी ये चीज आ जाएगी। तो ये मेरी कंप्लीट मतलब सीरीज का जो है यूएन टर्म्स का हमारी एनालिसिस हो गई। अब हम ये जानते हैं कि जब कहीं सीरीज इवन और ऑड के लिए अलग अलग होती है तो वहाँ डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या कहता है। जनरली हम जो डीएलएम्बर्ट्स साहब के बारे में जानते हैं वो है लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटिव यूएन प्लस वन अपॉन यूएन। अच्छा पॉजिटिव सीरीज के लिए होनी चाहिए, अल्टरनेटिंग के लिए नहीं है तो पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर यहाँ कोई निगेटिव आ जाता तो मैं ये फार्मूला यूज नहीं कर पाता। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड, ये भी वहां ध्यान देना। ये है मेरा, इसका क्या मतलब है, या इसका मतलब ये होता है ना कि यू एन प्लस वन अपान यू एन मतलब एन के बाद वाला जस्ट जो टर्म है, तो हमने टर्म को कैसे लिखा, इवन और ऑड में लिखा है। तो इवन और ऑड में जब हम रेशियो टेस्ट यूज करते हैं ना तो उसका फार्मूला यू हो जाता है, यू टू एन दिस अपान यू टू एन माइनस वन। कोई भी टर्म लिखेंगे तो लास्ट वाला यू टू एन आएगा, उसके जस्ट पहले ये आएगा। तो ये चीज हम यूज करेंगे जब इवन और ऑड यूएन इस रूप में अगर ब्रेक होता है, अगर एनियर टर्म अगर सीरीज का इस फार्म में अगर ब्रेक होता है तो यूज दिस कॉन्सेप्ट, मतलब ये फार्मूला डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट ये यूज होता है, इसके जगह ये यूज करते हैं, ये यूज नहीं करते हैं, दिस फैक्ट कीप इन माइंड। तो चलते हम निकालते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू टू एन क्या है, ये है मेरा टू रूट एन प्लस लॉग ऑफ एन अपान दिस, अपान करेंगे तो इनटू चला जाएगा वो, ये तो ये ऊपर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अभी सस्तर, तो इतनी बार तो डायरेक्ट लिखी जा सकती है अपान लॉग ऑफ एन। अच्छा ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या चीज आई, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी टू रूट एन प्लस लॉग एन अपान लॉग एन, ये हो गया दिस। अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल से डिफरेंशिएट कर दिया जाए, ये टू हो गया अपान टू रूट एन प्लस वन बाई एन अपान वन बाई एन, ये हो गया। अब इस चीज को हम यहाँ थोड़ा डिलीट कर दें, उसके बाद इसको लगाएं। देखते हैं क्या आता है, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये टू एंड टू कैंसिल हो गया, दिस ये वैल्यू हमारी आ गई लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी दिस, उसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एन रूट एन और यहाँ हो जाएगा एन प्लस रूट एन होल डिवाइड अपॉन वन बाई एन, तो ये एन एन कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन प्लस रूट एन अपान रूट एन दिस। अब अगेन ये हॉस्पिटल रूल लगा दिया जाए, लफड़ी की जरूरत नहीं, सीधा सपाट गेम खेलीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बल्ले गेंद को साट के सीधे उड़ा दिया जाए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे वन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा वन बाई टू यहाँ रूट एन अपान, इसकी वैल्यू होगी वन बाई टू और ये रूट एन। अब अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हम कर दें तो अगेन ये जीरो बाई जीरो फार्मूला हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग कायदे से सॉल्व करें तो वैल्यू मेरी ये आ जाएगी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टू रूट एन प्लस वन अपान टू रूट एन होल डिवाइड वन अपान, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टू रूट एन प्लस वन, ये बात आएगी, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन वन हो गया दिस। अगर ग्रेटर देन वन है तो फिर सीरीज इज व्हाट, दिस इज द डाइवर्जेंट, कंडीशन होती है ना कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपान यू एन निकाल रहे हैं,
आर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये निकाल रहे हैं, और इसकी वैल्यू अगर लेस देन वन आती है तो दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट। अच्छा, अगर ग्रेटर देन वन आती है, चाहे वो इन्फिनिटी है, ग्रेटर देन वन होना चाहिए, तो फिर इन्फिनिटी, दिस इज द ग्रेटर देन वन, तो हेंस दिस सीरीज इज द डाइवर्जेंट। तो फिर ये कह रहा है क्या सीरीज कन्वर्जेंट है, नहीं, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो दिस इज द कैंसिल आउट हियर। तो कहने का हमारा क्या मतलब था कि इस क्वेश्चन को हम डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से लगा सकते थे, या अलग अलग भी लगा सकते हैं, ये बाई ये कर दें, ये अपन ये कर दें, अलग अलग देख लें कि सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, उससे भी लगा सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट उससे लगाना चाहता है इसको अलग अलग करके, तो डेफिनेटली वो उस मेथड से भी उसको लगा सकता है। बट हमने यहाँ इस मेथड को इसलिए अडॉप्ट किया कि जनरली स्टूडेंट ज्यादा जो है टेस्ट पे, रेशियो टेस्ट है, लैम्बर्ट टेस्ट है, लागरथम टेस्ट पे प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, तो उस लिहाज से हमने उसी मेथड को अडॉप्ट किया है। बस यहाँ चाहे तो इसको अलग अलग करके आप लगा सकते हैं, तो वहाँ एक सीरीज कन्वर्ज मिलेगी और एक डाइवर्ज मिलेगी, और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का सम जो होगा वो डाइवर्जेंट ही होगा, कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकता है। बट अगर दो सीरीज डाइवर्जेंट है तो उनका सम मे बी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर टू सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो उनका सम हमेशा कन्वर्जेंट होगा। बट अगर एक सीरीज कन्वर्ज है और एक डाइवर्ज है तो उनका सम डाइवर्जेंट ही होगा। उस रिजल्ट का यूज करते हुए थर्ड को हम लोग लगा सकते हैं। अब यहाँ फोर्थ क्या है ये देखना है। जैसे फोर्थ हमारा ये है कि समेशन माइनस वन रेस टू द पावर एन फैक्टोरियल एन अपॉन एन दिस प्लस वन। अच्छा, यहाँ माइनस वन रेस टू द पावर फैक्टोरियल अंडर रूट एन प्लस वन अपॉन दिस है, तो यहाँ इवन और ऑड का कंसेप्ट करके लगा सकते हैं, यानी उसको अलग अलग कर दें तो चीज जल्दी लग जाएगी, तो अलग अलग ही कर दें तो शायद वो बेटर रहेगा। देख लेते हैं, रूट एन अपॉन ये हो गया प्लस समेशन वन अपॉन हमने अलग अलग कर दिया इसका, और एक्चुअल में क्वेश्चन जो इसी सम पे बना था अलग अलग। अब देखिए, अब ये हो गया समेशन माइनस वन रेस टू द पावर एन, ये नीचे आ जाएगा तो एन हो जाएगा प्लस समेशन वन अपॉन। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये तो अभी हमने देखा दिस पहला ही पार्ट आ गया दिस, एंड दिस इज द कन्वर्जेंट, दिस इज द कन्वर्जेंट सीरीज बाय लेबनीज़ टेस्ट, और ये है जो हमारा पी टेस्ट होता है, ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है पी ग्रेटर देन वन, तो एन रेस टू द पावर थ्री बाई टू और थ्री बाई टू ग्रेटर देन वन, तो डेफिनेटली दिस सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट है और ये सीरीज कन्वर्जेंट है। बहरहाल दिस इज द कंडीशनली कन्वर्जेंट एंड एवरी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज, राइट? तो ये तो कन्वर्जेंट सीरीज है, ये भी कन्वर्जेंट सीरीज है, और दो कन्वर्जेंट सीरीज का सम ऑलवेज ए कन्वर्जेंट सीरीज, एक रिजल्ट है ना, सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज इज अगेन कन्वर्जेंट, तो ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट, तो फाइनली दिस इज द कन्वर्जेंट सीरीज, तो फोर्थ भी ट्रू है। तो इस क्वेश्चंस के दो ऑप्शंस ट्रू थे, फर्स्ट एंड फोर्थ, और सेकंड एंड थर्ड ऑप्शंस दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन है। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और कांसेप्ट रही है बिल्कुल क्लियर हो गया। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम कांसेप्ट में रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं और उसका हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।